नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा में भाजपा, जसपा और आजाद उम्मीदवारों की नई सरकार बनने के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस नए फेरबदल में सरकार ने तुरंत प्रभाव से 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। बड़े आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। वहीं आईएएस अशोक खेमका को फिर से किसी बड़े विभाग में ना भेजकर खुद्दे लाइन कर दिया गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। खान एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रणव किशोर दास को खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। लोक निर्माण विभाग तथा वास्तुकला और वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम को वन एवं वन्य जीव और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। नागरिक उड्डयन, उद्योग एवं वाणिज्य और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, बिजली, रोजगार, मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कार्य के क्रियान्वयन प्रशासनिक सुधार विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव व हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण के सदस्य सचिव त्रिलोक चंद गुप्ता को बिजली, रोजगार, मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन, नव एवं नवकरणीय ऊर्जा, परिवहन, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों का अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के सलाहकार अमित झा को विज्ञान एवं तकनीकी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सिद्धिनाथ राय को सहकारी शहरी स्थानीय निकाय विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के मुख्य आवासीय आयुक्त राजीव अरोड़ा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग एवं वास्तुकला विभागों का अतिरिक्त मुख्य सचिव और नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन का मुख्य आवासीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं वित्त एवं योजना विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को वित्त एवं योजना विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य और नागरिक उड्डयन विभागों का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी को आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रधान सचिव लगाया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खेल एवं युवा मामले विभागों के प्रधान सचिव और नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के प्रधान आवासीय आयुक्त आनंद मोहन शरण को खान एवं भू विज्ञान, खेल एवं युवा मामले विभागों का प्रधान सचिव और नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन का प्रधान आवासीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका को अभिलेख, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभागों को प्रधान सचिव लगाया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक डी सुरेश को रोहतक मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि रोहतक मंडल के आयुक्त पंकज यादव को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक लगाया गया है। हरियाणा के सीनियर आईएएस अशोक खेमका का 52वां तबादला किया गया है। उन्हें अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। इससे पहले वे विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रमुख सचिव पद पर कार्यरत थे। खेमका का यह तबादला करीब 8 महीने बाद हुआ है। 1991 बैच के अशोक खेमका का तबादला इससे पहले मार्च 2019 में हुआ था। अभिलेखागार विभाग भाजपा के राज्य मंत्री कमलेश डांडा के पास, जबकि पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जसपा के राज्य मंत्री अनूप धानक के पास है। आईएएस खेमका को काफी समय से किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। भाजपा से पहले कांग्रेस की हुड्डा सरकार में भी खेमका का 22 बार ट्रांसफर हुआ था। वह जिस भी विभाग में जाते हैं घोटाले के मामले उजागर करते रहे हैं।
खेल विभाग से पहले उन्होंने समाज कल्याण विभाग में फर्जीवाड़े की आशंका पर 3 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी। इससे पहले बीज विकास निगम में भी घोटाला पकड़ा था। भाजपा सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में खेमका का यह 7वां तबादला है। खेल मंत्री अनिल विज ने ही इन्हें खेल विभाग में लिया था। खेल विभाग में खेमका का एसीआर में नंबर को लेकर विवाद हुआ था। खेमका की एसीआर में मुख्य सचिव ने उन्हें 10 में से 8.22 अंक दिए थे, जबकि उनके खेल महकमे में मंत्री अनिल विज ने इसे बढ़ाकर 9.92 कर दिया था। यह भी लिखा था कि खेमका मेहनती और ईमानदार है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी एसीआर में 9 अंक करने के साथ ही मंत्री अनिल विज की टिप्पणी को अतिशयोक्ति बताया था। इस मामले को लेकर खेमका हाईकोर्ट पहुंचे थे। खेमका ने खेती की जमीन की तरह अरावली क्षेत्र में हो रही चाकाबंदी को रोका था। 2012 में खेमका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग डिपार्टमेंट्स के निदेशक बने थे, जब उन्होंने एक आदेश जारी कर अरावली क्षेत्र में चकबंदी के पहले से चले आ रहे आदेशों को रद्द कर दिया था। फरीदाबाद के गांव कोट में 3100 एकड़ से ज्यादा जमीन की चकबंदी हो रही थी, जिसमें ज्यादातर हिस्सा अरावली की जमीन का था। खेमका ने इस पर एतराज जताया था, जिसे उनके तबादले की वजह माना गया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 2012 में खेमका ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के DLF कंपनी के साथ हुई जमीनी सौदे को रद्द कर दिया था। इस मामले में आरोप था कि वाड्रा को सस्ती दर पर जमीन दी गई और उन्होंने महंगे रेट पर DLF को जमीन बेची है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।